السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ستي. عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أمید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی ماشاء اللہ، اور آن لائن والے احباب بھی سب خیر و عافیت سے ہوں گے ماشاء اللہ. 185 پارٹیسپینٹس ماشاء اللہ، اللہ سب کو استقامت دے. ہماری پہلی کلاس ہے یہ، اور کون سی کتاب پڑھیں گے ہم؟ نہیں پتا جی. جی، سنن نسائی پڑھیں گے انشاءاللہ. سنن نسائی کے کچھ مختص ابواب ہیں، کتاب الطہارہ اور کتاب الصلاح خاص طور پہ، یہ دونوں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. تو جی حدیث کا ہے، جی حدیث کا ہے، تو حدیث میں جو کتاب ہم پڑھیں گے وہ سنن نسائی کی ہے جی. تو اب یہ ہماری پہلی کلاس ہے، کیونکہ تو پہلی کلاس میں تو کچھ پڑھائی وڑھائی تو میرے خیال خاص نہیں ہوگی، اس میں تھوڑا سا تعارف ہو جائے. تو آپ میں سے جو ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ شجاعت. کہاں سے ہے؟ اچھا ماشاء اللہ. صحیح ہے ماشاء اللہ، کراچی سے ہی. جی، آپ کو سیکنڈ ایئر میں دیکھا تھا میں نے. صحیح ہے، آپ کا کیا نام ہے؟ ماشاء اللہ. جی، ہاں جی، آپ کو بھی جانتے ہیں ہم. تو کسی نے میرا بھی انٹروڈکشن پوچھا ہوا ہے، تو مجھے نہیں جانتے آپ. کسی نے کہا ہوا کہ آپ چلیں. جی، ہمارا بس چھوٹا سا تعارف ہے کہ میں شیخ عبداللہ ناصر رحمانی کا بیٹا ہوں، اور جی فرزند ارجمن. تو نام میرا بدیع الدین ہے، جو انہوں نے اپنے استاد پہ رکھا ہے، اور انہوں نے ایک بڑے حسن زن کے طور پہ رکھا تھا. تو اب ہم تو بس دعا ہی کر سکتے ہیں کہ نہیں، ان جیسا تو شاید بننا ناممکن ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے کچھ قریب کر دے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے. اور پڑھائی جو ہے، یعنی دینی سفر، وہ الحمدللہ المعاد السلفی للتعلیم والتربیہ، وہاں پہ پورا 8 سال پڑھے، اور 8 سال پڑھنے کے بعد 2 سال کا تخصص کیا، جسے آپ ماسٹرز کہہ لیں یا اسپیشلائزیشن کہہ لیں، اور وہ میں نے حدیث میں ہی کیا ہے. حدیث اور حدیث کے جتنے بھی علوم ہیں، اصول حدیث وغیرہ، اسی میں ہی کیا ہے، اور 2 سال یہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ دورے جات تو کافی سارے کیے میں، اور اسی وقت سے میں پڑھا بھی رہا ہوں، یعنی اب میرا پڑھانے کا 4th سال ہے.
3 साल ग्रेजुएशन को हो गए हैं, और यानी जब से मैं फारिग हुआ हूँ तब ही इसे पढ़ा रहा हूँ, और महद में ही मैंने ये तखसस किया, स्पेशलाइजेशन। तो शाम को मैं पढ़ता था और सुबह को पढ़ाता था वहीं पर, और अब चौथा साल है अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाने का। इसके अलावा जो है जामिया इस्लामिया भी बड़ी कोशिश की है, बल्कि 18 साल के होते ही दाखिला भेज दिया था, और अभी तक उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो आप लोगों से दुआ भी है कि दुआ कीजिएगा हमारे लिए, अल्लाह ताला आसानी फरमाए। जी शेख उमर, हाँ उमर वो तो पढ़ रहे हैं ना वहाँ पे, क्लास 12 में मेरे वो पढ़ रहे हैं। जी, तखसस में साथ थे वो, तखसस पूरा नहीं कर सके थे वो। जी उनका पहले दाखिला हो गया तो वो चले गए थे वो। ये असल में कोई मेरिट तो होता नहीं उनका, नहीं कोई मेरिट नहीं उनका, अगर मेरिट होता तो हम पढ़ रहे होते वहां पे। पता नहीं कुरान दाजी भी नहीं है, कोई अजीब ही कोई मामला है उनका, समझ नहीं आता। यानी जो अच्छे अच्छे पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पे बैठे हैं, और जिनको कुछ नहीं आता वो वहां पे पढ़ रहे हैं, तो इस तरह का है मामला। जी जामिया मदीना, या जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा में। जी हाँ, मैंने वहां अप्लाई नहीं किया, मैंने दो जगह पे अप्लाई किया, मक्का मुकरमा उम्मुल कुरा और जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा, यहाँ दोनों अप्लाई किया। आपके सामने बैठे हैं, नहीं हुआ अभी। आपकी जरूरत शायद ज्यादा यहाँ हो। अच्छा जी बिल्कुल, ये बड़ा एजाज है, और यानी इंसान को इस चीज पे फखर, फखर बल्कि छोटा लफ्ज है, फखर से ज्यादा अगर कोई लफ्ज हो तो वो आप बता सकते हैं मुझे। हाँ बहुत बड़ी चीज है, बल्कि इंसान को अपने अपने आप को इस तरह बनाने की कोशिश करनी चाहिए, वो ये सोचे कि अब हम पढ़ रहे हैं हदीस, ठीक है, हदीस पढ़ रहे हैं सुनन नसाई, और हम आपको सनद भी देंगे इंशाल्लाह। सनद का मतलब ये कि यानी ये जो लड़ी और ये जो तरीका है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिलता है, अब आप उसमें शामिल होने लगे हैं, यानी आप अब इस काबिल हैं कि इस किताब को पढ़ने के बाद यानी कि आप जो है वो मेरी रिवायत से पहुंच सकते हैं वहां तक। ठीक है, एक बड़ा एजाज है ये, और इस पे बहुत फख्र होना चाहिए इंसान को। नमाज का टाइम हमारे यहाँ अभी थोड़ा है या हो चुका है, नमाज का टाइम हो गया। अच्छा, सवाल है कि हमारी हदीस की कोर्स बुक हार्ड कॉपी में अवेलेबल है, तो सुनना सही। जी, हाँ जी सही है जी, बिल्कुल किताबें मौजूद हैं, और आप जो हैं वो हासिल कर सकते हैं, जो हेल्पलाइन नंबर है यहाँ पे रिसेप्शन में, आप उनसे रابطہ करके हासिल कर सकते हैं, और आप लोग भी हासिल कर सकते हैं, किताब अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है सबकी। जी पूरा कोर्स अवेलेबल है, यानी हमने सुनन नसाई पूरी तो पढ़नी नहीं है, हमने दो बड़ी किताबें जो हैं इसकी यानी किताब उत्तहारा और किताब उस्सला, ये दोनों हमने पढ़नी है, और ये इसमें मौजूद है मुज़क्किरे में। हाँ जी, तरतीब वही है किताब वाली, सुनन नसाई यानी सुनन नसाई ही है ये। कंडीशन बस जो उनके रिक्वायरमेंट्स हैं वो यही हैं कि इंसान ने, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, कम से कम उन्होंने सवाल करें, आप क्या सवाल है आपका?
मेरा सवाल ये है कि जामे मुल कुरा के अंदर जो एडमिशन के लिए उनकी कंडीशंस क्या हैं? कंडीशंस बस यानी जो रिक्वायरमेंट्स है उनकी, सबसे पहली तो वो यही है कि कम से कम उसने इंटर किया हो, यानी सबसे बड़ी चीज उनकी यही है। इसके अलावा और तो कोई खास होनी है, बस वो कुछ उलमा, दो उलमा के तजकिए और इस तरह की चीजें होती हैं, और कम से कम बी ग्रेड हो, बी से नीचे ना हो, तो इस तरह की, और तो कुछ भी नहीं है। और उम्र का भी है, उम्र जो है वो 25 साल से कम हो। और अगर कोई वहां, हाँ वो सब सब वहां पे होता है, यानी 25 साल से ज्यादा एज वाले के लिए वहां पर मुश्किल है, एडमिशन मुश्किल है। यानी पाकिस्तान से तो नामुमकिन है, पाकिस्तान में तो इतने भेजने, हजारों भेजने वाले जो यानी दूसरी कंट्रीज वगैरह ना, हमने तो इंग्लैंड वगैरह के, वहाँ अमेरिका के कुछ लोग देखे हैं, वो यानी 50-50 साल के जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जरूरत है, और वहां से बहुत कम दाखिले आते हैं, तो उनको तो बिल्कुल जरूरत है कि वहां से आए, तो वो जो भी वहाँ पे भेजता है उनका दाखिला। इशू ये है कि जो है वो मेरी वाइफ का एडमिशन वहाँ हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। शेखबो अब्दुल मजीद की बेटी जी, अच्छा शेखबो अब्दुल मजीद मेरे ससुर। अच्छा अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि उनका यानी बकरीद में जो है वो इम्कान है कि इंशाल्लाह वो चली जाएंगी, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि वहाँ पर मेरी कोई ऐसी, मेरी भी यानी कि पढ़ाई वहाँ पे इसी तरीके से स्टार्ट हो जाए। शेखबो अब्दुल मजीद को मेरी भी सिफारिश पहुँचा दें पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी नमाज का वक्फा होने वाला है, फिर उसके बाद यानी किताब नहीं पढ़ेंगे, यानी इसी हदीस से रिलेटेड कुछ बात आपको इंशाल्लाह बताएंगे। जी हाँ जी क्या बता सकते हैं शेख बुजुद्दीन शाहराशदी कौन थे? कौन थे जिनका ये यानी बहुत बहुत मारूफ आलिम और मुहद्दिस हैं, और जब तक ये हयात थे तो इनकी हयात में यानी पाकिस्तान में इनके हम मुकाबला बहुत कम उलमा थे, जैसे हाफिज गोंदलवी वगैरह। तो कहने का मकसद ये कि यानी बहुत मारूफ और बहुत बड़े मुहद्दिस हैं जिनका ताल्लुक सिंध से है, और इनका एक इम्तियाज़ ये भी है कि इन्होंने मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा में ये जो हलकात होते हैं ना, इल्मी हलकात, वहाँ पे दर्स दिया करते थे मस्जिद हराम में। एक किताब है अल मुहल्ला, वो वहाँ पे पढ़ाया करते थे, और उनके दर्स में इमाम काबा शेख उमर, शेख उमर सुबैल फौत हो चुके हैं, वो शरीक हुआ करते थे, और यानी बड़े इम्तियाजात हैं उनके, बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े, और इसी वजह से उनको शेखुल अरब वल अजम कहा जाता है, कि वो अरब के भी शेख हैं और अजमियों के भी शेख हैं। अच्छा कुछ सवाल आए, तब हम स्किप कर रहे हैं जो मौजू से मुताल्लिक नहीं है। और एक सवाल है कि हम पूरी सुनन नसाई नहीं पढ़ेंगे, तो पूरी सुनन नसाई नहीं पढ़ेंगे हम, वो आपको बता दिया हमने। यानी आपका जो पूरा कोर्स है ना आलिम आलिमा का, वो इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसमें पूरी किताब तो पढ़ नहीं सकते, पूरी पूरी किताबें कि नसाई भी पूरी पढ़ लें, अबू दाऊद भी पूरी पढ़ लें, तो इस तरह डिजाइन किया गया कि जो जो मौजूआत नसाई में पढ़ लिया आपने, वो अब आप तिरमिजी में नहीं पढ़ेंगे, तिरमिजी में कुछ और पढ़ेंगे, ठीक है। फिर जो तिरमिजी में पढ़ लिया वो आप अबू दाऊद में नहीं पढ़ेंगे, सुनन अबू दाऊद में कुछ और मौजूआत पढ़ेंगे, लेकिन इस तरह करते करते यानी जो सारे मौजूआत हैं कुतुब सित्ता के वो कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ फिकी तरतीब इंशाल्लाह किताबों की वो कवर हो जाएगी इंशाल्लाह, अल्लाह की तौफीक से। जी एक बात ये भी है कि जो आपके पास मुज़क्करा है यानी हमारा जो कोर्स है, उसमें सिर्फ सही अहादीस हैं, जो ज़ईफ अहादीस है ना उनकी तरफ सिर्फ इशारा किया हुआ है और वो जिक्र नहीं है वहां पे, अवेलेबल नहीं है। किताब की ट्रांसलेशन अवेलेबल है, लेकिन उसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, हम आपको ट्रांसलेशन करवाएंगे सारी। जी नहीं अरबिक में है, अरबी। अब बड़े हो गए ना, अब पहला साल आप लोगों ने पढ़ लिया, दूसरे साल में पहुंच गए, तो अब थोड़ी बहुत अरबी भी। हाँ जी 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 हाँ
जी बिल्कुल इंशाल्लाह, कोई मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह, बहुत आसानी है। हमें विदाउट ट्रांसलेशन वाली ही खरीदनी है जी। ट्रांसलेशन वाली किताब से नहीं पढ़ेंगे आप, यानी आपके सामने किताब ट्रांसलेशन वाली नहीं होगी, क्योंकि अगर ट्रांसलेशन वाली पढ़नी होती तो हमें ये पूरा कोर्स डिजाइन करने की जरूरत ही नहीं थी। हम आपको ऐसे किताबें दे देते, तकसीम कर देते, सुनन नसाई का मुतरजम, सुनन अबू दाऊद का मुतरजम, तो यानी उर्दू में पढ़ने का फायदा नहीं होगा आपको। अब आपने अरबी की तरफ आना है आहिस्ता आहिस्ता, और इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आपने इसमें कहते हैं कि जो घबराना नहीं है, शुरू में ही आपने अगर ये सोच लिया कि जी किताबें अरबी में क्या करेंगे, किस तरह पढ़ेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, बहुत आसानी से पढ़ जाएंगे हम। तो नमाज के बाद इंशाल्लाह फिर वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी आपको आवाज आ रही है ऑनलाइन वाले? ठीक है, उसकी मैं अहमदुल्ला काम में किताबुल जनाजा तक पढ़ा था, अब उसको और आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। अच्छा, हम तक बात कर रहे थे ना, मौजूआत तकसीम किए हैं हमने कुतुब सित्ता के, तो कुतुब सित्ता से मुराद जो ये वाली किताबें हैं आपकी, यानी बुखारी मुस्लिम जो आप लोग आखिर में पढ़ेंगे, सुनन अबू दाऊद, सुनन नसाई, सुनन तिर्मिजी और सुनन इब्ने माजा। सुनन इब्ने माजा मेरे ख्याल नहीं है, यानी पांच किताबें हैं कुतुब सित्ता में से, तो उनकी तकसीम की बात कर रहे थे हम कि उनको हमने मौजूआत के अतबार से तकसीम किया है। तो आप लोगों ने पिछले साल उम्दतुल अहकाम पढ़ी है, ऐसे ही है, उम्दतुल अहकाम में भी आपने तहारा सलात कुछ ना कुछ पढ़ा है, तो वो एक अलग चीज़ है, ठीक है, वो एक किताब जिसे कहते हैं ना कि इब्तदाई किताब है, ठीक है। तो उसमें जो आपने तहारा सलात पढ़ा है वो एक, यानी एक इंतहाई आसान और जिसे कहते हैं कि बिल्कुल बेसिक्स के तौर पर था, और अब जो सुनन नसाई आप लोगों को आपके बकायदा कुतुब सित्ता शुरू हो गई हैं जो बड़ी किताबें हैं, तो उनमें जाहिर है तहारा सलाह भी आप पढ़ेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मौजू का तकरार हो रहा है, नहीं, ये अब बकायदा कुतुब सित्ता का आप पढ़ रहे हैं तहारा और सलाह, तो ये आप लोगों को थोड़ा अलग इंशाल्लाह इसमें फायदा होगा। दूसरी बात, कुछ लिखवाने का काम आपको करवाना था, तो कोई पास हैं आपके नोट्स वगैरह कि कल से करें? तो बताने का मकसद यह है कि ये सुनन नसाई की एक आप लोगों का एक मुस्तकिल रजिस्टर या नोट्स वगैरह आप लोगों के होने चाहिए, ठीक है, मुस्तकिल हो, इस तरह ना हो कि जैसे हमारे वो क्लास फेलो थे, उनका तरीका ये था कि हम लोग यानी हम ये करते थे कि हमारे पूरी एक एक किताब का एक एक कॉपी साथ रखते थे रजिस्टर वगैरह। उनका काम क्या था, उन्होंने एक 20 रुपए की कॉपी ली हुई थी, इतनी सी थी वो, बिल्कुल छोटी सी, 20 रुपए की उसकी कीमत थी, मुझे अभी तक याद है, और इतनी छोटी सी, और उसमें उन्होंने हमारे 8ों असबाक के नोट्स लिखने होते थे, ठीक है, और जहां उनको जगह मिलती वहां पर वो लिख लेते थे, और इस कॉपी का नाम उन्होंने अज खुद रखा हुआ था इल्मी कॉपी, क्योंकि उसमें पूरा एक साल का 8 साल के 8 असबाक के यानी मवाद उसमें मौजूद था, उसका नाम उन्होंने खुद ही रखा हुआ था इल्मी कॉपी। तो जब साल खत्म हुआ था तो उस पूरी कॉपी में आपको एक सफेद रंग नजर नहीं आएगा कॉपी का, तो इस तरह का काम ना हो, ठीक है, यानी एक मुस्तकिल आप लोगों का एक नोट्स हो सुरन नसाई के जो आप लोग लिखेंगे इंशाल्लाह, और उसका तरीका, जी हाँ, अलग से एक रजिस्टर है सुनन नसाई के लिए, और उसका तरीका नोट्स बनाने का ये होता है, वो भी आपको बता देते हैं, जब हम हदीस का तर्जुमा करते हैं, ठीक है, तो आपकी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि आप उस हदीस का तर्जुमा जो हम कर रहे हैं उसको याद करें,
ठीक है, उसका तर्जुमा समझे, जैसे हम हदीस का तर्जुमा कर रहे हैं इन्नमल आमालु बिन्नियात, ठीक है, ये तर्जुमा हमने किया कि तमाम आमाल का दारो मदार नीयतों पर है, आपने इसी तरह तर्जुमा उसका याद करना है। बिलफर्ज हदीस में कोई मुश्किल लफ्ज आ जाता है बीच में, ठीक है, तो उसका आप माना लिख लें, जो तर्जुमा हम बता रहे हैं उसका तर्जुमा लिख लें। पूरा पूरा तर्जुमा लिखना मुनासिब नहीं है, ठीक है, पूरा पूरा यानी बाज़ तलबा करते हैं इस तरह कि वो पूरा पूरा तर्जुमा करते हैं, तो ये करना मुनासिब इसलिए नहीं है क्योंकि इससे फिर हिफ्ज वाली जो सलाहियत है ना वो खत्म हो जाती है। तो कोशिश ये किया करें कि हिफ्ज ज्यादा हो आपका यानी हदीस को पढ़ते हुए, और सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें तर्जुमा समझने की और करने की सलाहियत पैदा होती है सुनने से। अगर आपने पूरा पूरा लिख लिया ना तो आपने आपका अपना इसमें कोई फायदा, कोई जैसे कहते हैं ना कमाल नहीं है, आपका कोई कमाल नहीं कि आपने पूरा लिख दिया और आपने अगले दिन जो है वो बता भी दिया तर्जुमा, आपने तो लिखा हुआ बताया है, आपने खुद तो नहीं समझा। तो सुनने से ये होता है कि आपको तर्जुमा करना भी समझ आता है कि किस तरह तर्जुमा किया जाता है, और सलाहियत पैदा होती है, बहुत सी सलाहियतें भी पैदा होती हैं। मुश्किल लफ्ज आ जाए बीच में उसका आप माना कर लें, मुश्किल लफ्ज आते हैं बीच में हदीसों में तो उसका आप माना बिल्कुल करें, वहां पर आप लिख लें, लेकिन पूरी पूरी हदीस का तर्जुमा ना करें, किताब में ही लिख लें जैसे मुश्किल लफ्ज का माना, और जो आपका जो रजिस्टर होगा उसमें आप उस हदीस के मुतालिक जो मसाइल हम आपको बताएंगे वो आप लिखेंगे, और वो आप खुद लिखेंगे, यानी खुद लिखेंगे से मतलब ये कि मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ आप लोग लिखते जाएं। क्या? हाँ वो जाहिर है बताऊंगा, मैं आपको सारा बताऊंगा इंशाल्लाह। नो वॉइस, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब वही करवाना था जो आप लोगों ने कहा है कल से करेंगे, इमाम नसाई का नहीं, तारुफ लिखवाना है आपको, हमने ऐसे नहीं बताना कि इमाम नसाई इस तरह थे, हमने आपको लिखवाना है वो भी, और वो भी आपके कोर्स का हिस्सा है, ठीक है, मुख्तसर ही सही लेकिन लिखवाएंगे हम आपको। आपको इस किताब के बारे में ये बता दें कि जो हम कुतुब सित्ता कह रहे हैं ये क्या है, ये कुतुब सित्ता मशहूर किताब है, इससे यानी दीगर किताबें भी मशहूर हैं जैसे बुलूगुल मराम है, उम्दतुल अहकाम है, वो भी ऑथेंटिक है। जी हाँ, इनका एक नाम रखा जाता है सिहा सित्ता जो ज्यादा मशहूर है, ठीक है, सिहा सित्ता का मतलब यह है कि छह सही किताबें, हालांकि अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सी हदीसें इनमें ज़ईफ भी नजर आएंगी, तो इनको सिहा इसलिए कहते हैं, यानी अब ये नहीं कहेंगे हम कि इसका नाम ही गलत है सिहा सित्ता कि जी इसमें ज़ईफ हदीसें, कुछ लोग उनको बड़ा शौक होता है अपने अपने ना इल्मी लेवल दिखाने का, होता कुछ नहीं है उनके पास, तो वो कहते हैं कि जी हमने तो सुना है उलमा सिहा सित्ता कह रहे होते हैं तो ये तो गलत है, नसाई में इतनी हदीसें ज़ईफ हैं और अबू दाऊद में इतनी हदीसें ज़ईफ हैं तो तुम इसको कैसे सिहा सित्ता कह सकते हो, ठीक है, तो उनको उनको उनका जो जवाब यानी उनको दिया जाता है ना वो ये है कि सिहा सित्ता इनको इसलिए कहा जाता है कि एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है तकलीबन गालिब तौर पर, गालिब तौर का मतलब ये कि अक्सर हदीसें सही हैं, ज़ईफ वाला रेशियो कम है बहुत, ठीक है, ज्यादातर हदीसें क्या हैं सही है, तो उस अक्सर की वजह से इनको सिहा सित्ता भी कहा जाता है और कुतुब सित्ता भी कहा जाता है। अच्छा, ये जो अहादीस की उसूली किताब है ना जिनको हम उसूलुल इस्लाम में शुमार करते हैं उनमें शामिल है ये छह किताबें, ठीक है, और भी किताबें जैसे मुसनद अहमद, ठीक है, और मौत्ता इमाम मालिक, मुसनफ इब्न अबी शैबा, मुसनफ अब्दुल रजाक, मुसनद अबू दाऊद अलसी, मतलब बहुत से नाम गिनवा सकते हैं हम आपको, ये सब किताबें बड़ी मारूफ और बासनद हैं। जी बुखारी मुस्लिम से पहले भी बहुत सी किताबें लिखी गई, मुसनद अहमद किसने लिखी है, इमाम अहमद बिन हम्बल, और इमाम अहमद बिन हम्बल कौन है, इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, तो मतलब बुखारी से पहले लिखी गई है। मुअत्ता इमाम मालिक, ये किसकी किताब है, इमाम मालिक रहमहुल्लाह की, और इमाम मालिक इमाम शाफी की, यानी इमाम बुखारी इमाम
के उस्ताद इमाम अहमद हैं, इमाम अहमद के उस्ताद इमाम शाफ़ी हैं, इमाम शाफ़ी के उस्ताद इमाम मालिक हैं, इमाम मालिक यानी इमाम हनीफ़ा, जो चार इमाम है ना अइमा अरबा, उनमें सबसे पहले इमाम हनीफ़ा आते हैं, और इमाम हनीफ़ा के बाद जो आए हैं उनका नाम इमाम मालिक है। ठीक है, तो बताने का मकसद ये है कि मुअत्ता इमाम मालिक बहुत पहले लिखी गई है, बुखारी से भी पहले। तो यानी अभी चूंकि हम ना कुछ तैयारी करके नहीं आए हुए, तो इसलिए बातें थोड़ी सी इधर उधर भी मेरी जा रही है, मुंतशर हो रही हैं बातें। अब दिल कर रहा है कि यहाँ पे जो है वो हुज्जियत हदीस पर बात हो जाए कि जी बुखारी से पहले जो इतराज किया जाता है कि जी सही बुखारी तो इमाम नबी अलैहिस्सलाम के तकरीबन 200-250 साल बाद लिखी गई है, तो पता ये चला कि जी हदीसें जो है ना वो यानी ऑथेंटिक नहीं है। ठीक है, इसलिए हदीसों का इंकार किया जाता है। तो उनका उनका इस तरह एक जवाब इस तरह भी देते हैं कि इमाम बुखारी से पहले भी बहुत सी किताबें लिखी गई हैं, इमाम मालिक की मुअत्ता मुअत्ता से पहले भी किताबें लिखी गई हैं। जैसे आपने अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु के, अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु के एक शागिर्द थे जिनका नाम है, क्या नाम है उनका, हम्माम बिन मुनब्बह, उनका सहीफा मशहूर है, सहीफा हम्माम बिन मुनब्बह, अभी तक उसका अभी तक वो मौजूद है, उसका तर्जुमा भी हो चुका है। तो अब ये देख लें, सहाबी के शागिर्द ने लिखा है, सहाबी के शागिर्द ने लिखा है, तो इससे आपको और बड़ी दलील क्या चाहिए हदीस के जो है वो सही और साबित होने के लिए। खैर, हमारा ये मौजू यानी इसमें तफसील हमने जिक्र नहीं करनी थी, और चूंकि आपको कुछ लिखवाना था जिसके लिए आप लोगों ने कल का कहा है, तो थोड़ा सा हमने टाइम भी गुजारना है अभी, तो चलो इस तरह ही सही। सहाबी का नाम है अबू हुरैरा, और सहाबी ने हदीसें लिखवाई थी अपने शागिर्द हम्माम बिन मुनब्बह उनको, और वो किताब मारूफ है सहीफा हम्माम के नाम से, सहीफतुल सहीफतु सहीहा भी उसको कहा जाता है। सुनन नसाई माजा सबका इंट्रोडक्शन दे दे, सबका इंट्रोडक्शन हम नहीं देंगे, सिर्फ सुनन नसाई का देंगे, और वो भी कल, और वो आप लोग इंशाल्लाह लिखेंगे सब। हजरत उमर बिन अल सहीफा, ये सहीफे जो है ना जो जो बात हो रही है, ये बहुत से सहाबा ने अपने शागिर्दों को लिखवाए हैं, सिर्फ अबू हुरैरा नहीं और भी बहुत से हैं, लेकिन सबसे मशहूर ये है हम्माम बिन मुनब्बह का। शेख वैद रहमान साहब ने बताया था कि हम्माम बिन मुनब्बह के मुतालिक, जी मुनब्बे जैसे हम उर्दू में भी लिखते हैं, इब्न अबी शैबा के बारे में शेख उबैद ने बताया कि उसका जो नुस्खा है अभी मौजूद है वो ऑथेंटिक नहीं है। नहीं है वो, ये बात नहीं है, आपने थोड़ा मिक्स कर दिया, ऐसी बात नहीं है, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा बिल्कुल ऑथेंटिक है, वो गालिबन मुझे समझ आ गई है, वो शेख उबैद ने हमें भी बहुत बार बताया, वो एक रिवायत के बारे में है, एक रिवायत के कुछ अल्फाज जो हैं वो जो यानी जो नुस्खा है ना ये हमारे जो पाको हिंद में पाया जाता है उसमें वो एक रिवायत के अल्फाज में गलती है कुछ, जबकि जो असल नुस्खा है जो बैरूती नुस्खा या अरब ममालिक में मिस्री नुस्खा है उसमें वो गलती नहीं है, वो बिल्कुल दुरुस्त है, वो एक अलग मसला है, बाकी मुसन्नफ में भी शायद बिल्कुल साबित किताब है जी। वो मसला भी मुझे मालूम है क्या है, और वो रिवायत भी मालूम है, और रिवायत के अल्फाज भी मुझे मालूम है, लेकिन उसका तफसील का चूंकि वक्त नहीं है। सहीफा यानी सहीफा उसका नाम है, और ताबी का नाम है हम्माम बिन मुनब्बह, हम्माम गोल दो चश्मी है। हाँ, मैं जिक्र कर रहा था कि उसूलुल इस्लाम जो कुतुब है ना, छः कुतुब सित्ता, तो बुखारी मुस्लिम के बाद जो सबसे ज्यादा सही तरीन किताब है वो ये है सुनन नसाई, बुखारी मुस्लिम के बाद। क्यों? क्योंकि बुखारी मुस्लिम में तो कोई हदीस ज़ईफ़ नहीं है, वो सही तरीन है। बुखारी मुस्लिम के बाद वो किताब कुतुब सित्ता में जिनमें कम से कम हदीस ज़ईफ़ है वो सुनन नसाई है। ठीक है, तो सेहत के एतबार से बुखारी मुस्लिम के बाद
نسائی کا درجہ آتا ہے. معتا امام مالک نہیں, معتا امام مالک کتب ستہ میں نہیں ہے, ہم بات کر رہے ہیں کتب ستہ کی, صحاح ستہ کی. سنن نسائی صغرہ اور کبرہ میں کیا فرق ہے؟ جی یہ بھی آپ کو بتانا ہے ہم نے, جب تعارف ہوگا نا کتاب کا تو یہ بھی ہم انشاءاللہ بتائیں گے. جی ایک اچھا سوال آیا ہے. اچھا آپ تھوڑا سا یہ کوشش کیجئے گا جو سوال ہو نا آپ کے وہ مائک پہ کیجئے گا, ٹھیک ہے, تاکہ چونکہ آپ کا جو مائک جو آواز جائے گی نا وہ ایک تو یہاں پہ بھی سب کو جائے گی اور دوسرا آن لائن والوں کو بھی جائے گی, تو تاکہ ان کو پتہ چل جائے. تو مائک یہیں رکھنے پاس. سوال یہ آیا کہ جی مستدرک حاکم جو ہے اس کو آپ صحاح ستہ میں کیوں شامل نہیں کرتے, حالانکہ مستدرک حاکم کو لکھنے کی جو شرط ہے اور جو اس کا طریقہ ہے وہ وہی والا ہے جو بخاری مسلم کا ہے. سوال سمجھ آیا آپ کو؟ کیا مطلب طریقہ وہی ہے؟ المستدرک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ المستدرک کا مطلب ہوتا ہے کسی کمی کو پورا کرنا, یعنی لفظی معنی یہ ہوتا ہے کسی کمی کو پورا کرنا, اس کو کہتے ہیں استدراک, اور اسی سے سب مفعول کا صیغہ ہے المستدرک. کمی کو پورا کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بخاری مسلم سے کوئی کمی ہوئی ہے, مطلب یہ کہ بہت سی ایسی روایتیں ہیں جو بخاری مسلم کی شرط پر ہیں لیکن انہوں نے اپنی کتابوں میں ذکر نہیں کیا, تو بعد میں امام حاکم نے یہ کیا کہ ان کی شرائط والی کتابوں کو اپنی سند کے ساتھ بیان کر دیا اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ساری حدیثیں امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط پر پورا اترتی ہیں. ٹھیک ہے, بات سمجھ آئی کہ اس کتاب کا کیا منہج ہے؟ انہوں نے اس میں وہ حدیثیں جمع کی ہیں جو بخاری مسلم نے اپنی کتاب میں ذکر نہیں کی حالانکہ ان کی شرائط پر موجود ہیں. ایسی بہت سی ہزاروں حدیثیں, تو اس کا پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ مستدرک کو آپ کتب ستہ میں شامل کیوں نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی, ہاں کیوں شامل نہیں کرتے؟ تو اس کا جواب یعنی آسان سا جواب یہ ہے کہ المستدرک ایک تو یہ کہ ان کے بعد کی ہے, ٹھیک ہے, یعنی جو ائمہ اربعہ ہے نا ان کے بعد کیا. دوسرا جواب یہ ہے کہ امام حاکم نے جو یہ سمجھا کہ ان کی ساری حدیثیں بخاری مسلم کی شرائط پر ہیں تو یہ ان سے غلطی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور ان کی اس غلطی کو بعد والے ائمہ نے اس کی تصحیح بھی کی ہے اور بہت سی ایسی حدیثوں کی نشاندہی کی ہے یہ کہہ کر کہ یہ حدیث بخاری مسلم کی شرط پر تو کجا, یہ تو صحیح بھی نہیں ہے, یعنی ضعیف حدیثیں بھی ہیں اس میں مستدرک میں, اور ضعیف سے اوپر کے درجے کی جو ضعیف ہوتی ہیں وہ بھی ہیں, مطلب کچھ حدیثوں میں ان کو مغالطہ ہوا ہے. تو اس یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ اس کو اصول الاسلام والی جو کتب ہیں کتب ستہ اس میں شامل نہیں کیا گیا. تیسری اور بڑی وجہ یہ کہ جو کتب ستہ ہیں نا وہ اصولی کتابیں ہیں, اصل کتابیں ہیں, یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا مصدر, اصل کتابیں. مستدرک حاکم اصل کتاب نہیں ہے, وہ استدراک کیا انہوں نے, ٹھیک ہے, اس میں انہوں نے استدراک کیا ہے یعنی اپنی سند سے اور پھر اس کو جو مستدرک والا عمل ہے وہ ذکر کیا ہے. تو یہ بھی ایک وجہ بنی کہ اس کو انہوں نے کتب ستہ میں شامل نہیں کیا جاتا. ہاں یعنی انہوں نے بخاری مسلم کی جو شرائط ہے نا اپنی کتابوں میں بہت سخت ہیں, وہ بہت سخت ہیں, تو انہوں نے کچھ سمجھا کہ یعنی بہت سی حدیثوں کے کہ یہ شاید بخاری مسلم کی شرائط پر, حالانکہ وہ ان شرائط پر نہیں ہے. تو مستدرک پر سب سے مشہور کام جو کیا نا وہ علامہ زہبی رحمہ اللہ کا ہے, جس میں انہوں نے ایسی حدیثوں کی نشاندہی کی ہے کہ جو بخاری مسلم کی شرائط پر بھی نہیں ہے, اور ایسی حدیثوں کی بھی نشاندہی کی ہے جو ضعیف ہیں, یعنی بخاری مسلم کی شرط پر دور کی بات ہے ہی ضعیف, ان کی بھی نشاندہی کی ہے. تو یہ آپ جب آگے آپ عربی حدیث کتابیں پڑھیں گے نا تو اس میں آپ بہت زیادہ آپ کو یہ ملے گا مستدرک حاکم کے حوالے سے. رواہ الحاکم وصححہ ووافقہ الذہبی, کہ اس کو حاکم نے روایت کیا ہے صحیح گئے اور امام ذہبی نے اس کی موافقت کیا, یعنی امام ذہبی نے کہا کہ واقعتاً یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے. مغالطہ مطلب غلطی. دیکھیں وہ میں نے یعنی جو تیسرا جو پوائنٹ تھا نا مستدرک کے حوالے سے وہ اصل وجہ ہے کہ یہ
मेन किताब नहीं है, बुखारी मुस्लिम किसी पर इस्तिदराक नहीं है, वो मेन किताबें हैं, इसलिए उनको कुतुब सित्ता पे रखा। बाकी गालिब वाला मामला तो वो और है। क्या हमारी अटेंडेंस हो गई है? अटेंडेंस का मुझे तरीका नहीं पता यहाँ पे क्या है, खास तौर पे ऑनलाइन वालों का। अच्छा चलते ना, मत तुम्हारे नहीं। आपने LMS के अकाउंट नाम से LMS में अपना अकाउंट बनाया होगा अपने नाम से, वहां भी अटेंडेंस का सिलसिला मौजूद है, ऐसा ही है? जी हाँ, वहां पे आप लोग देख सकते हैं और अपने अटेंडेंस लगा सकते हैं। अच्छा शेख, ये अल्लामा अलवानी के बारे में एक बात कही जाती है कि जो उन्होंने बुखारी मुस्लिम में जो है वो हदीसों को ज़ईफ़ कहा है, कुछ हदीसों को ज़ईफ़ कहा है, तो इसका क्या? देखिए, ये सवाल हमसे होता है और मैं अक्सर इसका जवाब ना जो इब्तदाई तलबा होता है उनको नहीं देता, ठीक है? उनको मैं कहता हूँ कि आप लोगों के लिए यही है कि आप लोग यही कहें और यही समझें कि बुखारी मुस्लिम में कोई हदीस ज़ईफ़ नहीं है, ठीक है? जब आप लोग आगे जाएंगे इंशाल्लाह, इल्म में मजीद पुख्ता होंगे, तब आप अल्लामा अलबानी का को पढ़ना, और अगर आप समझें कि उनसे गलती हुई है तो आप उनको जवाब देना। अभी आप लोगों के लिए यही है कि बस जो बुखारी मुस्लिम के बारे में जो एक मुत्तफक अलैह मामला है ना, उसी पर रहा जाए कि कोई हदीस उसमें ज़ईफ़ नहीं है। इमाम दारकुतनी ने बहुत सी हदीसों को ज़ईफ़ कहा बुखारी की, तकरीबन 17 या शायद इससे भी कमोबेश। तो बाद में बहुत से मुहद्दिसीन ने उसका जवाब दिया, खुद हाफिज इब्न हजर ने, जिन्होंने फतहुल बारी लिखी है, उन्होंने फतहुल बारी के मुकदमे हुदियुस सारी में बड़ा तफसीली जवाब दिया और उन्होंने कहा है कि अल हक्कु माल बुखारी, जो दारकुतनी ने हदीसों को ज़ईफ़ कहा है ना बुखारी की, तो इमाम दारकुतनी से गलती हुई है, हक इमाम बुखारी के साथ है। हाँ यही कह लें हम। इमाम अल्लामा अलबानी ने कुछ ऐसी हदीसों को भी ज़ईफ कह दिया बुखारी की जो जो नहीं है, और कुछ ऐसी हदीसों को भी ज़ईफ कहा जो उन्होंने समझा कि इसका माना जो है ना वो मुखालिफ है अकल के, या अकल नहीं दीगर हदीसों के। तो कुछ ऐसा भी मामला है, कुछ ऐसी हदीसें हैं जो सूफिया के अकीदे को प्रमोट कर रही थी, उन्होंने समझा ऐसे, हालांकि उसका माना शेख इब्न उसैमीन वगैरह ने बयान किया कि उसका सही माना क्या है, तो उस वजह से भी अल्लामा अलबानी ने कुछ हदीसों को ज़ईफ़ कह दिया। बहरहाल, कल इंशाल्लाह आप सबके पास नोट्स होंगे और कल हम इंशाल्लाह लिखेंगे इमाम नसाई के बारे में भी और सुनन नसाई के बारे में भी। इमाम अलबानी ने औरतों के लिए भी सोना हराम कर दिया। जी ठीक है, नमाज के लिए ब्रेक दिया, आइंदा भी ऐसे ही दीजिएगा। जज़ाकअल्लाह। ठीक है, सुभानकल्लाह।